हेलो गाइस, मॉम कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। सबसे पहले हमने कुकर ले लिया है, उसमें थोड़ा सा फ्लेवर डाल देंगे। एक टमाटर डाला है मैंने और दो हमने आलू डाला है। अब डाल देंगे वटाणा, ये हरे वाला वटाणा हमने लिया है, और दो मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी। अब इसे थोड़ी देर तक हम ढक के रख देंगे। दो सीटियां पन्ने तक, ये देखिए। ये देखिए अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब हम निकाल लेंगे इसे, और आपके पास ऐसा कंटेनर हो तो आप इसे ऐसे ही आप ऐसे ही कर सकते हो। ये देखिए, इसको रखते हैं अब साइड पे, ये हो गया है। अब हम पैन ले लेंगे, पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब बटर डालेंगे, अब थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब डालेंगे प्याज बारीक कटी हुई। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए, अब हम इसमें सूखी मेथी क्रश करके डालेंगे। थोड़ी सी मिर्च डालेंगे,
दो चम्मच हमने मिर्ची पाउडर लिया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे। बारीक कटा हुआ हमने टमाटर लिया है, अब इसमें डालेंगे, थोड़ी सी कैप्सिकम डालेंगे, थोड़ी देर तक हमको ऐसे ही पकाना है इसको। अब हम काली मिर्च का पाउडर और जीरे का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ी से हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए जो हमने सब्जियाँ बॉईल की थी वो हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गई है हमारी सब्जियाँ। अब हम पाव भाजी का मसाला डालेंगे, ये किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी भाजी बिल्कुल रेडी है। अब पाव को गर्म करने के लिए हमने ये बटर डाल दिया है तवे पे। ये देखिए बटर हमने डाल दिया है।
अब थोड़ी सी पाव भाजी का हमने मसाला डाला है। थोड़ा सा धनिया डाला है, इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम पाव लेंगे, इसे ऐसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये देखिए हमारे पाव बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए हमारी पाव भाजी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये हमने ऊपर से बटर डाला है।